हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है। आज दिवाली है, तो मेरी ओर से आपके और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊँ कि आप अपने यूट्यूब अकाउंट को फ़ोन से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम YouTube स्टूडियो। तो आप इसे चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको बस YT सर्च करना है। YT सर्च करोगे तो आपको नज़र आएगा यूट्यूब स्टूडियो, आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये उस जीमेल आईडी को इसमें इंटर करना होगा जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट है। फिर उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ से आपकी जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ शो होंगी। जो भी वीडियो है आप कोई भी एक वीडियो पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक के बाद आपको सबसे ऊपर जो पेंसिल का आइकन है आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा एडिट थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश, टैग। तो आप यहां से अपनी परफेक्ट जो वीडियो वो है यहां से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आपको यहां सेव का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो मेरी वीडियो ऑलरेडी सेव है तो आपकी जो वीडियो वो सेव हो जाएगी। तो आप जो ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको नज़र आएगा कि जो आपका 1 मंथ का जो वॉच टाइम है, व्यूज़ है, सब्सक्राइब है, वो यहाँ आपको शो नज़र आएंगे। तो अगर आप इस पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको वॉच टाइम दिखाएगा, व्यूज़ दिखाएगा, सब्सक्राइब दिखाएगा। और अगर आप ऑडियोशन और अगर आप ऑडियोशन पे जाओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी वीडियो को मेल ज़्यादा देख रहे हैं या फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं, कौन सी एज के आपकी वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं आप यहाँ से, कौन सी कंट्री के ज़्यादा देख रहे हैं आप यहाँ से, सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कोई भी आपको इशू है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो।